क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? नक्सलियों ने क्यों कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे अगवा कमांडो को? क्या गिर जाएगी महाराष्ट्र की सरकार? कोरोना में कैसे हो रहा है लाशों का व्यापार? नमस्कार, मैं नेहा, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, बीते शनिवार एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। नक्सलियों का कहना है कि राकेश्वर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जब तक सरकार हमसे समझौता नहीं करेगी तब तक जवान हमारे कब्जे में ही रहेगा। दूसरी सुर्खी, दिल्ली में सोमवार तक शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े विवाह की तैयारियों को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगे नाइट कर्फ्यू ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। अब फिर से सब लोग शादी की तारीख, समारोह स्थल और उसके समय पर विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। तीसरी सुर्खी, सचिन बाजे मामले में वसूली का बवंडर धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। अनिल देशमुख के बाद महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री अनिल परब पर बेफिजूल वसूली कराने का आरोप लगा है। मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार हुए सचिन बाजे ने NIA कोर्ट को पत्र लिखा, साथ में यह लिखकर भी बताया कि अनिल देशमुख के अलावा शिवसेना कोटे के परिवहन मंत्री अनिल परब ने मुंबई महानगर पालिका के ठेकेदारों से वसूली करने को कहा था। सचिन बाजे के इस पत्र से पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा देशमुख पर लगाए गए आरोप भी साबित होते दिख रहे हैं। चौथी सुर्खी, आज के दिन यानी कि 8 अप्रैल को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ही सबसे पहले देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था। उस समय में जो क्रांति हुई थी उसे सब लोग 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जानते हैं। आज के दिन 1857 में अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। उनके फांसी देने के लिए अंग्रेजों को कलकत्ता से जल्लादों को बुलाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ के जल्लादों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। अब रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले से यहां पर कोरोना से जान गंवाने वाले 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया जा रहा है। इस संबंध में एक अधिकारी का कहना है कि अस्थाई शमशानों में जगह की कमी के चलते ऐसा किया जा रहा है। साथ में अधिकारी ने यह भी बताया कि आसपास के गांव वाले लोगों ने गांव की शमशान में कोरोना से होने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने पर विरोध किया था, इसलिए स्थानीय अधिकारियों ने जल्द ही कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ भी जगह की कमी है, जिस वजह से एक बार में ही 8-8 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें से कम उम्र की महिलाएं ज़्यादा बताई जा रही हैं। बीड में अंबाजोगाई जिले में बीते 4 दिनों में करीब 500 कोरोना के केस सामने आए थे। वहां की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 10 दिन का लॉकडाउन भी लगाया था। फिलहाल यहां एक्टिव केसों की संख्या 28,491 पहुँच गई है, जबकि अब तक 672 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि 25,436 लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। जहां एक तरफ बीड जिले में ये खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जलगांव जिले का हाल इससे भी बुरा हो गया है कि यहां पर भूसावल में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ही नहीं मिल पा रही हैं। तापी नदी के पास वाले शमशान में हर दिन रोज 10 से 15 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन दिन पर दिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि शवों के लिए सूखी लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही हैं। हालात को देखते हुए और काफ़ी कोशिशों के बाद आसपास के गांव से लकड़ियां मंगवानी पड़ रही हैं, जिससे अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी हो सके।
यहाँ पर इतना बुरा हाल हो रहा है कि शवों की लाइन इतनी लंबी है कि चिता जलाने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि एक चिता बुझती नहीं है कि दूसरी चिता आ जाती है। जहाँ हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को इतना महत्व दिया जाता है, कहा जाता है कि यह हिंदू धर्म का आखिरी संस्कार है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब ऐसा वक्त नहीं है। कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार के लिए शवों के लिए जगह और लकड़ियों का मिल पाना मुश्किल हो रहा है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि जहां इस आखिरी समय पर परिजनों का साथ होना जरूरी होता है, लेकिन चाहकर भी परिजन साथ नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे ये महामारी भयंकर रूप लेती जा रही है, इसलिए कोरोना से अपने परिजनों का ख्याल रखिए और दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने प्रियजनों का खास ख्याल रखें। राष्ट्र दरबार में आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मीडिया दरबार। धन्यवाद।